हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल आप सबके। स्वागत है आपका हमारे चैनल द ट्रायलो पे। तो भाई एसआरके की मोस्ट अवेटेड मूवी जो है डंकी, तो इन्होंने डाला है डंकी ड्रॉप वन टीजर डाला है, लेकिन ड्रॉप वन करके डाला है, तो मुझे लग रहा है दो पार्ट में आएगी। इस पर रिएक्शन करते हैं, देखें क्या हाल चाल है इसके। भाई साहब हैट्रिक लगेगी अगर इसी 1000 करोड़ पार करेगी तो वर्ल्ड वाइड हैट्रिक। देख लेते हैं एक बार क्या हाल चाल है। 1 2 3 जियो स्टूडियो की तरफ से। दिल से मगर नहीं निकला, हाँ ये अर्जित नहीं है। घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम ऐसे दिल का। चाहती थी कि आज के बाद इंग्लैंड की बात भी नहीं सोचेगा। लायको मेरी कसम क्यों खाते हो हमेशा। मैं बुग्गू लखनपाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचूं भी तो मेरी दादी मर जाए। चाहते गुरु ये लुक भाई का। मेरी पूरी फैमिली है ये 4 उल्लू दुपट्टे जो लंदन जाना चाहते हैं। उनमें एक लड़की है मन्नू, हमारा जो पहला बच्चा होगा ना उसका नाम मैं आप पे रखूंगा। आप अपना नाम बताओ। बांगीपुरा। थोड़ा थोड़ा वही लग रहा है डीएजी का नाम। कुप्पू। कोई बात नहीं सर, लिख के दे दो मेरे से नाम। कर दे नाम। आधार कार्ड में लंबा हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, आएगा नहीं। अरे यार बहुत बढ़िया। कमिंग सून ड्रॉप टू कमिंग सून। ओके अच्छा, ये मतलब टीजर वो ड्रॉप वन में, ट्रेलर ड्रॉप टू। अरे भाई सब बदल देंगे। उन्होंने जवान की टाइम हाईलाइट करी थी, उन्होंने ग्लिम्स डाला था भाई। ग्लिम्स भाई बस बहुत बेहतरीन। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हैट्रिक लगेगी ही लगेगी भाई। राजकुमार हिरानी और एसआरके भाई तुम्हारे अनलिमिटेड कॉम्बो। हिरानी बहुत तगड़े में डायरेक्टर है भाई। कॉम्बो भाई बहुत कड़ा है तो। और भाई शाहरुख सर ने इस बार थोड़ा लुक ले भैया, एक्शन से डायरेक्ट इस पर आ गए तो भाई वर्सटाइल एक्टर की पहचान होती है यार। एक मूवी पिछली मूवी एक्शन विकी कौशल भाई, मुझे तो उम्मीद ही ना थी विकी कौशल की। हाँ बहुत बेहतरीन, मेरे को लग रही थी क्योंकि मेनली राजकुमार हिरानी के पिक्चर रहते हैं। और ऐसा शायद वो हो सकते हैं, बट विकी कौशल बहुत इसे भी देखेंगे पहले, एक दिन पहले इसे देखेंगे। एक दिन पहले उनको ज्यादा स्क्रीन मिल जाएगी ना, एक दिन पहले बहुत कमाल। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी सिनेमा में स्क्रीन ज्यादा मिलती है नॉर्थ साइड में, नॉर्थ मतलब साउथ में सलार। लेकिन ये पिक्चर बहुत अच्छी होने वाली है भाई, जो दो पिक्चर आई है उससे बिल्कुल उल्टी होने वाली है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। बिल्कुल ऑपोजिट टेलिंग, तो एक नंबर ही होगी भाई। जो इमोशनल मूवी स्टोरी भाई, थोड़ा मतलब ये वो हो सकती है जो भाई तुम्हें रुला दे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा सीन जरूर आते हैं राजकुमार हिरानी सर की पिक्चर में जो तुम्हें आंसू लेके आ जाते। मुन्ना भाई एमबीबीएस लगे रहो, मुन्ना भाई पीके, 3 इडियट में जब एंड में आमिर खान सर जा रहे होते हैं, मतलब अगर आप लोगों ने पूरी ऐसी थी। आप लोगों ने पठान देखी हो तो पठान एक एक्शन मूवी थी, जवान एक एक्सपीरियंस मूवी थी, उसका एक्सपीरियंस कभी खत्म नहीं होता, बार बार देख सकते हो आप। ये स्टोरी लाइन है, इसमें स्टोरी की प्रॉपर स्टोरी बेस्ड होगी मूवी है, प्रॉपर स्टोरी बेस्ड है, स्टोरी बहुत बेहतरीन होगी इसमें और उसी के बेस पे ये मूवी चलेगी पूरी। जो बोलते ना जैसे कि मूवी की स्क्रिप्टिंग ही स्टोरी लाइन है, मतलब दम वही है, स्क्रिप्ट ही पूरा, कास्ट कोई भी लिया हो लेकिन मूवी चलनी है भाई, वो स्क्रिप्ट के नाम पे। और वैसे भी राजकुमार हिरानी ने आज तक एसआरके के साथ कभी काम नहीं करा। आजकल तो डायरेक्टर के ऊपर ही चल रही है मूवी। पहले टीजर्स में कभी भी डायरेक्टर्स का नाम आता ही नहीं था, अब डायरेक्टरों का नाम पहले डाल दिया जाता है। आता था तो लास्ट में आता था, टाइटल क्रेडिट्स में आता था। क्रेडिट्स में आता था। हाँ बहुत बढ़िया है। ड्रॉप टू अब
देखेंगे क्या नाम क्या होगा। हम एक्साइटेड है देखने के लिए, मिलते भाई, मिलते भाई, एंड करते हैं यहीं पे, मिलेंगे भाई दूसरी वीडियो में। तो इतने पहले एक और वीडियो डाल रखी है भाई, कल ही डाली थी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो, इसे भी मार देना। मिलेंगे भाई दूसरे ड्रॉप 2 में आप लोगों से, तब तक के लिए भाई।